अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा चैप्टर 7 और सेक्शन 94 और 95 सीआरपीसी के मुतालिक। अगर मैं बात करूं समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग सेक्शन 94 के मुतालिक, तो इसमें दो चीज़ें काबिल अहम है, एक कोर्ट की इंस्ट्रक्शन, दूसरा पुलिस ऑफिसर का रवैया। इनमें दो चीज़ें बहुत अहम है जिसमें किसी भी पुलिस ऑफिसर को अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो किसी को डिपार्टमेंट को खुद से कोई लेटर नहीं लिख सकता। वो जो भी काम करेगा, अगर कोई भी उसके ऐसा मुश्तबा डॉक्यूमेंट है किसी शख्स के कब्जे में है, पुलिस ऑफिसर जानता है, तो वो थ्रू कोर्ट जाएगा, वो कोर्ट से डायरेक्शन लेगा कि भाई ये मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए किसी भी इन्वेस्टिगेशन सिलसिले में, या अगर खुद से कोर्ट अगर कोई चाहे तो वो डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है उस मुतलका शख्स को, या उस डिपार्टमेंट को लेटर लिख के, या उसको नोटिस या समन जारी करके। तो ये है सेक्शन 94 का तरीकेकार। जहां तक बात रही कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो बैंक्स के पास हो, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर या इंचार्ज खुद से बैंक अथॉरिटी पर प्रेशराइज करके उनसे कोई डॉक्यूमेंट या किसी कस्टमर की अकाउंट की डिटेल मालूम नहीं कर सकता। वो जो भी काम करेगा थ्रू मजिस्ट्रेट या किसी भी कोर्ट की फॉर्म के थ्रू उनको ऑर्डर लिखेगा, समन जारी करेगा, फिर वो अदालत में आएगा, वो बताएगा कि ये मुझे किस मकसद चाहिए, ट्रायल के लिए चाहिए, इंक्वायरी के लिए, जो भी मकसद उसको ऑब्जेक्ट है, उसको जो भी रिक्वायर है उस मकसद के लिए वो इसको इस्तेमाल करेगा। अब मैं बात करता हूँ सेक्शन 96 के मुताबिक प्रोसीजर एज टू लेटर एंड टेलीग्राम। अगर कोई शख्स या अगर कोई पुलिस ऑफिसर या कोर्ट अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी भी पोस्ट अथॉरिटी के पास है, तो वो पुलिस ऑफिसर को चाहिए किसी भी मुतलबा केस के सिलसिले में, तो वो थ्रू अदालत जाएगा, खुद से किसी की भी शख्स को या किसी भी पोस्ट अथॉरिटी को या कोई पार्सल को वो खुद से नहीं मंगवा सकता, ना वो इस जिमन में कोई भी वारंट इशू कर सकता है, ना कोई रिटन ऑर्डर इशू करता है, मां सिवाय कोर्ट के, ये कोर्ट का काम है वो किसी भी डिपार्टमेंट को लेटर जारी करे, ऑर्डर जारी करे या समन भेजे। तो किसी भी सूरत में अदालत के किसी भी तरीक़ेकार को किसी भी लिहाज से पुलिस वगैरह के कोई भी डिपार्टमेंट या कोई उनका अहलकार किसी भी इदारे को चैलेंज नहीं कर सकता। सेक्शन 96, अगर कोई शख्स या कोई भी डिपार्टमेंट सेक्शन 96 सीआरपीसी के खिलाफ वर्जी करता है, तो अदालत उसको सर्च वारंट के उसके खिलाफ या उस डिपार्टमेंट के खिलाफ या उस मुतलका मिजाज ऑफिसर के खिलाफ जारी कर सकती है, क्योंकि अदालत ने जो भी चीज़ मांगी थी या जो भी डॉक्यूमेंट उन वो बाउंड है इदारा, वो शख्स बाउंड है अदालत में जमा करवाने का। अब चलते हैं सेक्शन 97 की जनब, पावर टू रिस्ट्रिक्ट वारंट। अगर कोर्ट वारंट किसी शख्स के खिलाफ जारी करती है या मिसाल के तौर पे या किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ जारी करती है, तो वो पूरे डिपार्टमेंट के लिए नहीं होता, वो स्पेसिफिक प्लेस या जगह के होता है। मिसाल के तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतने इसके डिपार्टमेंट्स हैं, वो किसी भी अगर कोई अदालत जारी करती है कोई सर्च वारंट, तो मखसूस सेक्शन है या कोई मखसूस डिपार्टमेंट है, फैकल्टी है, उनके लिए जारी कर सकती है। इसी तरह सेक्शन 98 सर्च ऑफ हाउस टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी। अगर कोई अदालत किसी सर्च वारंट जारी करते किसी खिलाफ किसी स्टोलन प्रॉपर्टी के शक है कि भाई इस जगह या इस प्लेस पे वो प्रॉपर्टी मौजूद है, तो पुलिस ऑफिसर को हुक्मनामा जारी करती है अदालत कि ऐसी जगह पे जाकर रेड करें और जो भी मतलूबा जगह है, स्टोलन प्रॉपर्टी है, रकूम है या कोई भी ऐसा चीज जो किसी शख्स की गुम हुई है, तो उसको रिकवर कर सकते हैं। सेक्शन 99 पब्लिकेशन ऑफ सेक्टेरियन एक्टिविटी। मैं मुशरफ के दौर में अगर आपको याद हो तो उसमें इतने जो पंफलेट छपते थे, उस वक्त तो इतना एडवांस मीडिया का दौर नहीं था, ना ही आजकल की तरह सोशल मीडिया इतना एक्टिव था, तो उस वक्त किताबें छपती थी, रसायल जरायद का सिस्टम था पब्लिक एक्टिविटीज को महदूद करने के लिए, तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं। पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड, किसी भी शख्स को गैर कानूनी तौर पर अगर कैद किया गया हो या नज़रबंद किया गया हो, तो अदालतें किसी भी कोई किसी भी शख्स की एप्लीकेशन पे या किसी पुलिस मिजाज अफसर की दरख्वास्त पर पुलिस अदालत वारंट जारी करती है मुतलका पुलिस थाने को, ताकि कोई भी शख्स जो इलीगली डिटेन किया गया है उसको बाजियाब कराया जा सके। सेक्शन 101 में जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वारंट को इशू करने के बारे में। सेक्शन 102 पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च, इसमें भी चांद एक उसमें नई तरमीम के साथ ग्राउंड्स हैं, अदालत जो भी चाहे डायरेक्शन दे सकती है पुलिस अथॉरिटीज को। अब सेक्शन 103 सर्च इन प्रसीन ऑफ विटनेस, किसी भी जगह अगर पुलिस कोई रेड करती है किसी भी लोकेलिटी में या किसी भी ऐसे गांव में या किसी ऐसे जहां गुंजान आबादी है या कोई विलेज है, तो वहां पुलिस एक लिस्ट तैयार करेगी जो भी जहां भी रेड कर रही है, और दो वहां के लोकेलिटी के मौजूद मेंबरान या पर्सन जो भी गवाह बनना चाहें, तो वो
पुलिस उनके गवाहों के साइन कलम बंद करती है और उनकी मौजूदगी में जहां भी रेड करनी हो उस जगह रेड करती है, और जो भी चीज ऑक्यूपाई की है या अपनी कस्टडी में ली है उसकी लिस्ट तैयार की जाती है। अगर हाँ, यहाँ ये जरूर है कि अदालत उन दो विटनेसों में जब चाहे उनको समन करके उनको तलब कर सकती है कि जो भी आपके सामने जो भी चीज़ें रिकवर हुई ये बिल्कुल ठीक हैं और ये अपनी असली हालत में मौजूद हैं। अगर कोई कंज्यूमेबल आइटम है वो एक अलग कहानी है, उसका एक अलग तरीके का उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे पेरिशेबल थिंग्स का। सेक्शन 54 है पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट। अदालत या मजिस्ट्रेट को हक हासिल है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जब्त करे जिसके बारे में शक शुबहात हों या कोई ऐसा फोर्ज डॉक्यूमेंट है जिसके किसी दूसरे को मिलने से नुकसान हो सकता है, तो ऐसे किस्म के डॉक्यूमेंट को अदालत चाहे तो इम्पाउंड कर सकती है, या कोई इलीगली डॉक्यूमेंट है या कोई इसमें कोई प्रॉपर स्टैम्प नहीं लगी हुई। सेक्शन 105 मजिस्ट्रेट को हक हासिल है कि वो अपनी मौजूदगी में किसी भी जगह का सस्पेक्टेड जगह का मुआयना करे या अपने बिहाफ पे किसी शख्स को भेजे और जो उस जगह का मुआयना करे और जो भी चीजें रिकवर हो उसकी लिस्ट बनाकर अदालत को हाजिर करे। ये था सेक्शन 194 से 105 तक का मुख्तसर जायजा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। आज के इतना ही, खुदा हाफिज़।